दोस्तों आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। एक नई वीडियो जो आपका इंतज़ार कर रही थी आज आपके सामने है। बट ये कोई हॉरर इंसिडेंट नहीं है, एक ऐसा इंसिडेंट है जो शायद आप सभी की नज़रों से बच गया। आज मैं एक ऐसे इंसिडेंट की बात करने जा रहा हूँ जो 2009 में बीता यूएस में, जिसने एक्चुअली में सबका दिल दहला दिया। अगर मैं आपको कहूं कि जो एनिमल्स हमारे साथ रह रहे हैं या जिन पर हम पूरी तरीके से भरोसा कर रहे हैं, अगर वही आपके खिलाफ हो जाए तो सुन के कैसा लगेगा। देखिए, नॉर्मली तो सब अपने घर में पैट्स रखते हैं, जैसे कि डॉग या फिर कैट्स। लेकिन अगर मैं बात बताऊं आपको कि चिंपैंजी या फिर स्नेक या क्रोकोडाइल या हिपोपोटामस या फिर लायन, ऐसे ऐसे पैट्स अगर आप अपने घर में रखेंगे तो आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? हमें लगता है कि इनका जो बिहेवियर है वो बहुत शांत है, या फिर हम इन्हें पाल सकते हैं? आखिर इन्हें जानवर क्यों कहा जाता है, या इन्हें ऐसी कैटेगरी में क्यों रखा जाता है जो डेंजर कैटेगरी होती है? आज आप इंडिया में देख रहे हैं कि हर जगह पे आपको पिटबुल, रॉटवाइलर और ऐसे ऐसे ब्रीड दिखेंगी जो कि आम इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन लोग इन्हें पालते हैं। और कितने ही ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पर दूसरे लोगों को बहुत हार्म किया गया। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूं जो शायद आपने सुना भी होगा। कहते हैं यूएस की बात है, जहां पर एक फीमेल थी जिन्होंने एक स्नेक को पाला। वो स्नेक उनके लिए एक बच्चे जैसा था। वो उसे फीड करती थी, खाना खिलाती थी, और स्नेक धीरे धीरे बड़ा होता गया, जो कि उसके एक नेचुरल प्रोसीजर है। वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया जब उसने खाना छोड़ दिया, तो स्नेक की जो ऑनर थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई इस चीज़ को देख के कि उनके बच्चे जैसा जो स्नेक है वो अब खाना नहीं खा रहे। रात को वो स्नेक उन्हीं के साथ सोता था, तो धीरे धीरे इस चीज़ को देख के कि उस स्नेक ने खाना छोड़ दिया, जो टेंशन और डिप्रेशन थी वो ऑनर के चेहरे पर झलकनी शुरू हो गई। तो एक दिन क्या हुआ, जो ऑनर थी वो पेट डॉक्टर के पास गई और उन्होंने बताया कि ये जो मेरा स्नेक है ये खाना नहीं खा रहे हैं। तो डॉक्टर ने पूछा कितना टाइम हो गया कि इन्होंने खाना नहीं खाया। तो उसने बताया कि एक्चुअल में काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 से 2 महीने हो गए कि ये खाना नहीं खा रहा है। तो डॉक्टर ने जब उसे देखा और एग्ज़ामिन किया, तो उसने ऑनर को एक ऐसी चीज़ बताई जो ऑनर सुन के शॉक हो गई। उसी दिन स्नेक को उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। अब दोस्तों सोचिए ऐसा क्या बताया होगा। तो चलिए मैं इस थोड़ा सा लाइमलाइट डालता हूँ इस टॉपिक पर। डॉक्टर ने पहले तो ऑनर से पूछा कि क्या ऐसा है कि रात को ये आपको लिपट के सोते हैं? तो ऑनर बहुत खुश हो गई ये बताते हुए कि हाँ मेरा बच्चा है, मैंने इसे पाला है, तो ये अपना प्यार इसी तरीके से जताते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि ये प्यार जताने का तरीका नहीं है। अगले कुछ ही टाइम बाद जैसे ही आपका साइज़ पूरी तरीके से नाप लेगा ये आपको निगल जाएगा। ऑनर ने जब ये बात सुनी तो उसका सबसे पहला रिएक्शन था, डॉक्टर मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊँ? आप समझिए कि एक जानवर जिसको आप अपने घर में रख रहे हैं, क्या वो एक्चुअली में आपके लिए सेफ़ है, या आपके नेबर्स के लिए, या आपके बच्चों के लिए? क्या कभी कभी दोस्तों हम इतने मतलब ही हो जाते कि कुछ डॉग्स को रखने के लिए या कुछ कैट्स को रखने के लिए या कुछ ऐसे जंगली जानवर को रखने के लिए हम दूसरों से लड़ने लग जाते हैं? मतलब अगर मैं इसे इस तरीके से कहूँ कि आम इंसान से लड़ जाते हैं एक जानवर को अपने पास रखने के लिए। अब ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, तो मैं इसे ये नहीं बोलूँगा कि आप डॉग मत रखिए, कैट मत रखिए, लेकिन क्या आप उसे इतना सेफ़ रख पा रहे हैं? आज बड़ी बड़ी ब्रीड इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं और बहुत सारी ऐसी ब्रीड्स हैं जो अलाउड भी नहीं है, घरों में होती हैं। मेरे हिसाब से इनको बड़े जंगल्स में, फार्म हाउस में और एक अच्छी लोकेशन पर रखा जाना चाहिए, जैसे इंडियन गवर्नमेंट जू में रखती है। लेकिन हम क्या करते हैं, इन्हें 3 BHK फ्लोर में बांध के रख देते हैं, 4 BHK फ्लोर में बांध के रख देते हैं। क्या ये उस चीज़ के लिए बने हैं? इंडिया में देखा गया है कि कितने ऐसे डॉग्स हैं जो घर में बंद के रह जाते हैं, जिन्हें घूमने तक का अवसर नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका एग्रेशन लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो किसी को भी हार्म कर देती हैं। कुछ घरों में से तो आपने देखा होगा पूरे दिन भौंकने की आवाज़ें आती हैं। तो क्या वो डॉग पागल है, या उसे टाइम पर खाना नहीं मिल रहा है? और जब मैं खाने की बात करता हूँ तो डॉग की जो डाइट होती है, जैसे पेडिग्री आप देखते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो उनके लिए खाना बनाते हैं। आज अक्सर लोग घर में अपने डॉग्स को और पैट्स को चावल, दाल, रोटी, ये सब कुछ खिला रहे हैं। मुझे नहीं पता है कितना हेल्दी है, लेकिन ऐसी चीज़ें खिलाना क्या डॉग के लिए ठीक होगा या फिर दूसरे पैट्स के लिए ठीक होगा? ऐसी कितनी ही क्लिप्स आए दिन वायरल होती है जहाँ पर आप देखते हैं कि एक डॉग ने अपने ऑनर को खा लिया, कैट ने अपने ऑनर को खा लिया, या फिर जो स्नेक पैट था
उसने अपने ओनर का हाथ पूरी तरीके से चबा लिया। और ऐसी बहुत सारी क्लिप्स आई है जहाँ पर जब पेट्स बड़े होते हैं तो वो अपने ओनर का शिकार ज़रूर करते हैं। इंडिया में तो दोस्तों ऐसा हो गया कि हमारे जो बच्चे होते हैं हम उन्हें अपने पेट्स के साथ खुले में छोड़ देते हैं, पेट्स का झूठा खा रहे हैं या फिर इधर उधर घूम रहे हैं। आप जानते हैं कि रेबीज़ नाम की एक बीमारी है जो कि काटने पर फैली जाती है और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आपको पता है कि कितने इंजेक्शंस लगते हैं अगर एक डॉग किसी इंसान को बाइट करते हैं। चलिए एक टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये तो मैंने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, एक स्टोरी आपको बता दी कि आज टॉपिक किस बारे में होने वाला है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेविस द चिंपैंसी के बारे में। कहा जाता है कि इसका जन्म 1995 में हुआ था, 21 अक्टूबर को। इस चिंपैंसी के जो मॉम डैड थे, जो इनके माता पिता थे, उन्हें अफ्रीका से लाया गया था अमेरिका के अंदर और चिंपैंसी सेंचुरी के अंदर रखा गया था। अब कहा जाता है कि ट्रेविस जो था 3 दिन का था जब उसे उसकी मॉम डैड से दूर कर दिया गया। अब देखिए एक बहुत ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पर हम एक तरफ तो जानवर के लिए इतनी ज़्यादा सिंपथी दिखाते हैं और दूसरी तरफ उन्हें इस तरीके से अपने यूज़ के लिए हम ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज आप देखेंगे कोई भी एक हाइब्रिड आपको 15,000 से 45,000 या 75,000 या 1,00,000 के बीच में दिखती है। तो आप एक जानवर को पाल रहे हो जिसको उसके माँ बाप से अलग कर दिया गया है। ऐसे ही ट्रेविस के साथ कुछ हुआ, जो चिंपैंसी था उसे 3 दिन के अंदर अपने माँ बाप से दूर कर दिया गया। लेकिन एक्चुअली में उसके मॉम डैड का हुआ क्या, जो चिंपैंसी थी उसकी मॉम का नाम था सूजी और जो उनके पिता थे उनका नाम था कोको। वो एक दिन अपने बच्चे को लेके वहाँ से सेंचुरी से एस्केप कर रहे थे और उन्हें बुरी तरीके से मार दिया गया। अब कहा जाता है जिस बच्चे ने उनके माँ बाप को मारा वो अपने आप के लिए सेल्फ डिफेंस कर रहा था। वो आई थिंक 18 से 19 साल का था। शॉर्ट गन से मारने के बाद उसे 30 दिन जेल में रहना पड़ा। अब ये एक अच्छी चीज़ है कि जानवरों के लिए एक ऐसा रूल निकाला गया है कि आप उनको हर्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि कोको और जो सूजी थे वो भी तो सेंचुरी को एस्केप कर रहे थे और वो भी किसी को हर्ट कर सकते थे। तो इस बात को अगर हम छोड़ भी देते हैं, अगर हम आगे वाली बात पे आते हैं, तो क्या हुआ जब ट्रेविस को 3 दिन बाद अलग करा गया। कहा जाता है उस सेंचुरी से ट्रेविस को चुरा लिया गया और कनेक्टिकट नाम के अमेरिका के एक शहर में एक ब्रीडर उसे लेके आ गया, जहाँ पर सैंड्रा जो उस चिंपैंजी की ओनर थी और उनके हस्बैंड मिस्टर हैरल्ड ने उस चिंपैंजी को $50,000 में उस ब्रीडर से ख़रीदा। बहुत अच्छी बात है कि एक कपल है जो एक चिंपैंजी को पालना चाहते हैं और उन्होंने उसे अपनी बच्चे की तरह रखा। अब हुआ क्या, कुछ टाइम बाद आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि उसकी परवरिश इस तरीके से करी गई ट्रेविस द चिंपैंजी की, जो एक चिंपैंजी था, कि वो अपने आप को खुद ड्रेसअप करता था, वो खुद डाइनिंग टेबल पर सबके साथ डिनर करता था, वो प्लांट्स को पानी दिया करता था, वो दूसरों के साथ घूमा करता था, बच्चों के साथ खेला करता था और उसका बिहेवियर ऐसा था जैसे सही में वो एक लड़का है। ट्रेविस एक मेल था और वो बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्ट किया करता था जैसे वो एक मेल बच्चा है। वो खाना खाता था, वो वाइन पीता था, उसकी सारी एक्टिविटीज़ ऐसी थी कि आजू बाजू वाले जितने भी घर में लोग थे वो ट्रेविस को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आए दिन ट्रेविस सबके घरों में जाके खेलता था। उसके जो नेबर थे उन्होंने तो इतना तक बताया कि ट्रेविस उनकी इतनी ज़्यादा सुनता है जितनी उनके नेफ्यूज़ नहीं सुनते। ट्रेविस के साथ अक्सर वो जो उनके नेबर थे वो रेसलिंग प्रैक्टिस करते थे, उठा के पटकने वाली जो हरकतें होती हैं। जब उन्हें लगता था कि अब ट्रेविस के साथ वो नहीं खेलना चाहते तो ट्रेविस को मना कर देते थे और ट्रेविस इस चीज़ को समझ जाता था। ट्रेविस जो चिंपैंजी था वो एक चीज़ का बहुत बड़ा शौकीन था, वो था आइसक्रीम। ट्रेविस को इतना तक पता था जो आइसक्रीम ट्रक्स थे वो उसके घर से कितनी देर पहले और कितनी देर बाद निकलने वाले, तो वो बहुत देर पहले ही जाके पार्क में बैठ जाता था और आइसक्रीम ट्रक का वेट करता था। आइसक्रीम ट्रक वाले भी जानते थे कि ये ट्रेविस है और वो आइसक्रीम खाना चाहता है तो उसे आइसक्रीम दिया करते थे। मतलब आप समझ रहे दोस्तों कि अगर हम किसी चीज़ को ट्रेनिंग दें, किसी पालतू जानवर को ट्रेनिंग दें, तो वो उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अब कहानी सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे जो ट्रेविस द चिंपैंजी था वो एडवर्टीजमेंट में आने लगा। उसने कोको कोला की एडवर्टीजमेंट की और बहुत सारे ब्रांड्स की एडवर्टीजमेंट की, तो वो एक लोकल सेलिब्रिटी बन गया था। लोग आए दिन उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवाते थे, उससे मिलने आते थे और ट्रेविस भी उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली नेचर में रखता था। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब जो सैंड्रा थी, एक कार एक्सीडेंट में उन्होंने अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को खो दिया। दोस्तों उसके बाद कहा जाता है कि जो सैंड्रा थी वो बहुत बुरी तरीके से टूट गई और उनके पास और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेविस रह गया था। ट्रेविस
जो पूरे घर में घूमा करता था, सेंड्रा का ध्यान रखता था जो उनकी फीमेल ओनर थी, वो पूरे दिन उन्हीं के साथ रहता था एक बच्चे की तरह और उन्हें संभाल रहा था, क्योंकि सेंड्रा जो थी अपने पति और बेटी के जो हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो बुरी तरीके से डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, ट्रैविस जो एक चिंपैंजी है जिसे जंगल की ओर भेजना चाहिए था, जिसे घुमाना चाहिए था, वो सेंड्रा के साथ उसी घर में रहने लगा और पूरे दिन बैठ के जंक फूड खाता था। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ट्रैविस अपना दिन टीवी देख के निकालता था, इंटरनेट पे फोटोज देखता था, और ट्रैविस पूरे दिन उस घर में जंक फूड खाता था। ये इंसिडेंट बैक टू बैक हुआ, बैक टू बैक हुआ, तो एक लाइमलाइट में एक केस आया जब मैं रिसर्च कर रहा था कि 2003 में पता चला कि ट्रैविस को गाड़ी चलानी भी आती है। एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर जो मेल ओनर थे, जब वो गुजरे नहीं थे, तो 2003 में वो ट्रैविस के साथ रात को घूमने निकले, उन्होंने सोचा कि चलो एक लॉन्ग राइड पे होके आते हैं। तो ट्रैविस जो था उसने गाड़ी के शीशे आधे नीचे कर रखे थे अपने आप से, और ओनर जो थे वो गाड़ी चला रहे थे, तो कोई साइड में जो कार जा रही थी उसमें से एक लड़के ने एक कैन निकाला और वो थ्रो किया, उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाके गिरेगा, वो ट्रैविस के हाथ पे जाके लगा। और बोलते हैं कि ट्रैविस 2003 में उस चलती गाड़ी में से उतर के उस जो लड़का था उसकी गाड़ी के पीछे भागना शुरू कर दिया ट्रैविस ने। उसको इतना ज़्यादा एग्रेशन आ गया कि जो ऑनर थे वो तक उसे संभाल नहीं पा रहे थे। अब वो लड़का तो गाड़ी लेके वहाँ से निकल गया, बट जो ट्रैविस था उसने उस जगह पर अमेरिका में पूरी तरीके से हंगामा मचा दिया। कितनी बार ऐसी कोशिश करी गई कि उसे शांत करा जाए, और आखिरी में 911 पर कॉल किया गया और पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस वहाँ पर आई तो पुलिस अपने साथ कुछ स्नैक्स लेके आई, हालांकि ये मज़े की बात है सुनने में कि पुलिस वाले भी पहले जो ट्रैविस थे उसके साथ बहुत कम्फर्ट थे। तो क्या हुआ, जब स्नैक्स लाए गए तो स्नैक्स उसके ऑनर को दिए गए और ऑनर को बोला गया कि आप कैसे भी इसे गाड़ी में बुलाओ और यहाँ से ले जाओ ताकि ये शांत हो जाए। ट्रैविस ने वहाँ पर इतना बुरा हंगामा मचाया, दिन के 3 बजे गाड़ियाँ वहाँ पर बुरी तरीके से जाम लग गया, पुलिस वाले बुरी तरीके से परेशान हो गए, नॉर्मल इंसान बुरी तरीके से परेशान हो गया। यहाँ पर जो ट्रैविस था वो एक ऐसे साइको किलर वाली हरकतें करने लगा कि जब वो स्नैक्स दिखाए जाते वो गाड़ी में बैठता और स्नैक्स खा के वो दोबारा नीचे उतर जाता, पुलिस वालों का बार बार पीछा करता, उनको काटने की कोशिश करता। बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटे बाद ट्रैविस को शांत करा गया और उसे अपने घर भेजा गया। उसके बाद कहते हैं कि कनेक्टिकट में एक रूल पास हुआ कि जिन जानवरों का वज़न 50 किलो से ज़्यादा है वो घरों में नहीं रह सकते। लेकिन पुलिस वालों ने ट्रैविस पे कभी एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो बहुत ही काम डाउन एक चिंपैंजी था, लेकिन यहाँ पर शायद उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई थी। अब दोस्तों, जो सस्पेंस धीरे धीरे बन रहा है, जब वो खुलेगा तो आपको पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में ये हो सकता था या क्या एक्चुअल में ऐसा हो सकता है। अब वापस आते हैं उसी इंसिडेंट पर, जब सेंड्रा के हस्बैंड और बेटी गुजर गए, जब सेंड्रा को संभाला जा रहा था तो जो ट्रैविस था वो बिल्कुल बच्चे की तरह घर में रहता था, लेकिन वो ओवरवेट हो चुका था बुरी तरीके से। कहा जाता है कि जो चिंपैंजी बचपने में उनके पास आया था, अब उसका जो वज़न था वो 81 किलो हो चुका था, 81 किलो सिर्फ और सिर्फ स्नैक्स खा के। एक दिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ये इंसिडेंट है 2009 का 16 फरवरी का, जब शायद ऐसा घर में कुछ इंसिडेंट हुआ जो कभी रिवील नहीं हुआ, कि ट्रैविस जो था वो सेंड्रा के पास से गाड़ी की चाबी उठाया और वो गाड़ी चलाकर वहाँ से निकल गया। पहले तो हैरानी ये सुन के होती कि यार एक चिंपैंजी गाड़ी चला रहा है, आजकल के नौजवान तो ढंग से गाड़ी चला नहीं पाते, एक चिंपैंजी गाड़ी चला के निकल गया। तो सेंड्रा ने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया जिनका नाम था चार्ला नैश, चार्ला जो कि उनकी कंपनी में मैनेजर रह चुकी थी और सेंड्रा की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, और वो ट्रैविस को बचपन से जानती थी और ट्रैविस के साथ बहुत खेली कूदी थी। अब सेंड्रा ने जब कॉल किया, चार्ला को बताया कि यार ट्रैविस ऐसे ऐसे गाड़ी लेके यहाँ से जा चुका है और मुझे लग रहा है कि वो बहुत गुस्से में है, कहीं एग्रेशन में वो किसी को हर्ट ना कर दे, प्लीज़ तुम आ जाओ। चार्ला अपनी गाड़ी उठाती हैं और वो सेंड्रा के घर की तरफ जाती हैं, तो रास्ते में वो एक टॉय लेती हैं उसके लिए, ट्रैविस के लिए, ये सोच के कि ट्रैविस इसे देख के बिल्कुल काम डाउन हो जाएगा। बस उस दिन बोलते कि चार्ला से एक गलती हो गई कि उसने डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल बना के रखा हुआ था, मतलब उनका जो हेयर स्टाइल था वो बिल्कुल अलग था। अब कहा जाता है कि जब चार्ला वापस आई तो उन्होंने देखा कि ट्रैविस वहीं पर था, वो अपनी गाड़ी लेकर वापस आ चुका था और ट्रैविस वहीं पर था। और जैसे ही चार्ला अंदर घुसी और उन्होंने एक बार बोला कि ट्रैविस देखो मैं तुम्हारे लिए टॉय लेके आई हूँ, दोस्तों ट्रैविस बुरी तरीके से चार्ला के ऊपर टूट पड़ा। अब आप सोचेंगे कि ये प्यार करने के लिए टूटा था, नहीं, वो इतनी बुरी तरीके से चार्ला के ऊपर टूटा कि उसके हाथ से जो खिलौना था वो हवा में उड़ के गिरा और ट्रैविस ने चार्ला को सीधा मारना पीटना शुरू कर दिया।
आप समझ सकते हैं कि आप एक जानवर के लिए जिसे आप बचपन से जानते हो उसके लिए खिलौना लेके आए और वो अचानक से आपके ऊपर टूट पड़े। और दोस्तों मेरे साथ तो ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जहाँ पर मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद इस डॉग को कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन बिलीव मी जब वो आपके ऊपर कूदते हैं ना आप सिर्फ गिर जाते हो और आपके हाथ पैर तक काम नहीं करते। सैंड्रा ने इस चीज़ को बताया कि जब वो सामने खड़ी थी उसने देखा कि जो ट्रैविस था वो चार्ला के ऊपर कूद गया और उसने बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया चार्ला को। उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई चोर या फिर ऐसा कोई इंसान घर में आ गया जो ट्रैविस के लिए और सैंड्रा जो ट्रैविस की मॉम थी उसके लिए कोई डेंजर है, और वो बुरी तरीके से चार्ला को मारना शुरू कर दिया। और इतनी बुरी तरीके से मारा कि अपने दांतों से चार्ला का फेस उखाड़ के उन्होंने स्किन साइड में फेंक दी और बुरी तरीके से मारने लगा, काटने लगा, बोलते कि उसकी उंगलियां तक फाड़ दी, हाथ पैर सब फाड़ दिए, आंखें नोच के निकाल दी। एक जानवर जिसको आप बचपन से पाल रहे हो, जिसको आप अपने साथ बचपन से रख रहे हो, अगर वो आपके सामने ऐसी हरकत करे। सैंड्रा जो थी वो अपनी आँखों से सब कुछ देख रही थी, उन्होंने क्या करा, वो फटाफट से अपने घर में गई और जो एक फावड़ा होता है वो लेके आई और उसने बुरी तरीके से जो ट्रैविस था उसके कमर पे मारा, लेकिन ट्रैविस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप समझ एक चीज़ समझो कि एक जानवर जो ओवरवेटेड है उसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। वो बार बार सैंड्रा जो थी वो चिल्लाती रहेगी ट्रैविस छोड़ दो, ट्रैविस छोड़ दो, लेकिन ट्रैविस ने एक बार भी नहीं छोड़ा और बुरी तरीके से वो चार्ला पे अटैक करते रहे। अगेन सैंड्रा ने कोशिश की, अपने घर में गई और एक चाकू लेके आई जिससे उन्होंने ट्रैविस की जो गर्दन थी कमर थी उस पर स्टैब करना शुरू किया। लेकिन सैंड्रा ने एक स्टेटमेंट दी जिसे सुनकर शायद आप इमोशनल हो जाओगे, लेकिन मेरे को बिल्कुल इमोशनल ऐसा सीन नहीं लग रहा, क्योंकि उन्होंने बताया जब वो स्टैब कर रही थी तो एक बार ट्रैविस ने पीछे मुड़ के अपनी सैंड्रा की तरफ देखा और इस तरीके से रिएक्ट किया कि माँ आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हो, मैं तो सिर्फ हमें बचा ही रहा हूँ। अब यहाँ पर जानवर तो जानवर की तरह रिएक्ट कर रहा था, सैंड्रा ने क्या किया, जब स्टैब किया देखा तब उसे तब भी कुछ नहीं हो रहा, तो वो डर के मारे कि कहीं मेरे ऊपर ना कूद पड़े उसने चार्ला की गाड़ी की चाबी उठाई और वो गाड़ी में जाके बैठ गई और वहाँ से 911 को कॉल किया, जो कि रिकॉर्डिंग आप अभी सुन सकते हैं। दोस्तों इस रिकॉर्डिंग में चार्ला जो थी वो उनकी तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी, जो पीछे ट्रैविस जो जानवर था वो बुरी तरीके से चिल्ला रहा था जैसे उसके साथ कुछ हो रहा है। सैंड्रा जो गाड़ी में बैठी थी अपने आप को बचाने के लिए वो बार बार पुलिस वालों को कह रही थी कि जल्दी आ जाओ, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, वो मेरा जो चिंपैंजी है जो पेट है वो बुरी तरीके से चार्ला को मार रहा है, जल्दी आ जाओ। दोस्तों जब तक पुलिस पहुंची ट्रैविस वहां से जा चुका था। जैसे ही वो चार्ला के पास गए उन्होंने देखा चार्ला में थोड़ी सी एनर्जी है, वो ज़िंदा है। जैसे पुलिस वाले उसे उठाने लगे एकदम से ट्रैविस वापस आ गया और उन्होंने बुरी तरीके से सब पे हमला करना शुरू कर दिया। जो डिप्यूटी बैठे हुए थे एक गाड़ी में उन ट्रैविस ने क्या करा, उस गाड़ी के शीशे तोड़े और उनको खींचने की कोशिश की। उस डिप्यूटी ने अपने बचाव के लिए ट्रैविस जो चिंपैंजी था उसको 4 गोलियां मारी। अब मज़े की बात यह दोस्तों कि 4 गोलियां खाने के बाद भी ट्रैविस मरा नहीं और वहां से गायब हो गया, वो वहां से भाग गया। बड़ी ही बुरी हालत में एम्बुलेंस में चार्ला को लेटाया गया और चार्ला को वहां से हॉस्पिटल लेके गए। पहले चार्ला पे ध्यान देते हैं, बाद में ट्रैविस पे आएंगे। चार्ला जब हॉस्पिटल में पहुंची तो पता चला कि उन्हें बुरी तरीके से डैमेजेस आए हैं, उनकी उंगलियां, उनके हाथ, उनकी जो ब्रेन टिश्यूज़ है वो तक फट चुके हैं, उनकी आँखें, उनकी नाक, उनका मुंह पूरी तरीके से चीर दिया गया और ये सब कुछ ट्रैविस द चिंपैंजी ने अपने हाथों और दांतों से किया था। बहुत लंबी सर्जरी चली अप्रॉक्सीमेटली 72 आवर्स की। उसके बाद ये घोषित किया गया कि चार्ला जो है वो अब जाके स्टेबल हुई है। जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने पूरा मेडिकेशन चला था उनको काउंसलिंग दी गई, बोलते कि जब सर्जरी ख़त्म हो गई तो उस डॉक्टर्स को काउंसलिंग दी गई क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल हो गए थे ऐसा केस देख के कि जो जिस हालत में चार्ला आई थी। डॉक्टर्स ने बताया कि चार्ला की हालत ऐसी थी जैसे वेजिटेबल ग्राइंडर में अचानक से उनका हाथ डाल दिया, उनकी 4 फिंगर जा चुकी थी, दोनों हाथों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था, मुँह को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था, जैसे बेदर्दी से किसी ने बुरी तरीके से मारा हो। काउंसलिंग दिलवाई गई 72 घंटे के सर्जरी के बाद और उसके बाद बोलते कि जब डोनेशंस अवेलेबल हुई चार्ला के लिए, डोनेशंस जो थी ली गई लोगों से, तो उनको एक हाथ दिया गया, किसी ने अपने जो डेड बॉडी थी उनसे हाथ निकाल के कुछ ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई, लेकिन 5 दिन बाद दोबारा उस हाथ को निकाल दिया क्योंकि वो चार्ला की बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे थे। चार्ला में बस इतनी हिम्मत थी कि वो ज़िंदा रहे। एक शो है जिसमें उन्होंने अपना फेस रिवील किया, तो कुछ वीडियोज़ हैं, इमेजेस हैं जो अभी आपको देखने को मिलेगी कि उनका क्या हाल बना दिया था ट्रैविस ने। बस जिंदा रहने की एक उम्मीद ने चार्ला को बचा दिया, वरना कुछ रह नहीं गया था उनके लाइफ में।
अब कहा जाता है कि ट्रेविस को पूरे एरिया में ढूंढा गया बुरी तरीके से ढूंढा गया कि सब डरे हुए थे, जो पुलिस वाले थे वो डरे हुए थे कि कहीं ट्रेविस किसी और को हर्ट ना कर दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका था। जब हर जगह ढूंढ लिया गया और उस एरिया में वो नहीं मिला, तो सब ने डिसाइड किया कि एक बार घर में देखना चाहिए। तो जब घर में गए तो देखा कि ट्रेविस अपने कमरे के जो केज है जहाँ पर वो रहता था, वो उसी के साइड में उसकी डेड बॉडी मिली। साइड में कुछ ब्लड पड़ा था, मतलब गोलियों ने अपना काम लगभग कर ही दिया था। अब बात आती है सैंड्रा की। जब सैंड्रा से स्टेटमेंट ली गई और ट्रेविस का जब ऑटोप्सी हुई, पोस्टमार्टम हुआ, तो उसमें पता चला कि जो सैंड्रा थी वो खुद इतनी डिप्रेशन में थी कि वो ट्रेविस को शांत करने के लिए एक सेनेक्स नाम की एक ड्रग्स देती थी जो कि उन्हें शांत रखता था। और उस दिन भी वो ड्रग्स दी गई थी जब चारला वहाँ पर आई थी। कहा जाता है उस ड्रग्स की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि जो ट्रेविस था उसे इल्यूसिनेशन होने शुरू हो जाते थे, उसे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लग जाती थी। अब बोलते हैं कि सैंड्रा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो ढंग से ट्रेविस को कभी पाल ही नहीं पाई जब उन्होंने अपने हस्बैंड और बेटी को एक्सीडेंट में गंवा दिया। तो ट्रेविस इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि ट्रेविस को अंतर ही नज़र नहीं आता था, फ़र्क नज़र नहीं आता था कि कौन घर में आ रहा है कौन नहीं आ रहा, उसे सिर्फ सैंड्रा नज़र आती थी। जैसे ही चारला को उसने देखा तो वो जो ड्रग्स थी वो इतने पावरफुल तरीके से काम करी कि चारला को वो समझ ही नहीं पाए कौन है, और बुरी तरीके से अटैक कर दिया। मैं तो दोस्तों इसको सुन के बहुत हैरान था कि एक ट्रेविस चिंपैंजी ने एक फीमेल की ऐसी हालत कर दी। और आप सुन के ऐसे हैरान हो जाओगे कि अमेरिका और इंडिया और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में वो जानवर ही हैं। किसी ने अपने घर में लॉयन पाला वो मारा गया, किसी ने घर में हिप्पोपोटामस पाला वो मारा गया, किसी ने ब्लैक डियर पाला वो मारा गया, किसी ने स्नेक पाला वो मारा गया। और ये हैवी ब्रीड डॉग जो है, आपने एक बारी जरा सुना है कि अगर पिटबुल किसी को काट लेता है तो जब तक वो वहाँ से उसका मांस नहीं निकाल देता तब तक छोड़ता नहीं है। अब मैं ये बिल्कुल इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं हेट फैलाना चाह रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर आप जंगल से पकड़ के किसी को अपने घर में ले आओगे तो क्या वो आपके घर को जंगल नहीं बना देगा? ट्रेविस जा चुका है, इस सदमे को सैंड्रा झेल नहीं पाई। 15 महीने बाद अटैक के, 2009 जो 16 फरवरी था, इस अटैक के 15 महीने बाद सैंड्रा जो है वो भी गुजर गई। अब कोई रह नहीं गया, सिर्फ चारला रह गई हैं जिनको अपनी ज़िंदगी बिना आँख बिना नाक बिना हाथों के गुजारनी पड़ रही है। दोस्तों अगर आप भी ऐसे किसी सिचुएशन में हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। दूसरा, जो वीडियोस को आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी और भी वीडियोस आएंगी जहाँ पे हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी स्टोरीज, कुछ ऐसा बिहाइंड द सीन जो हमें याद नहीं होता है, जो हमारे सामने कभी नहीं आया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को उतना ही प्यार दें। इसके बाद मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हफ्ते में जो एक वीडियो आए उसकी जगह कम से कम दो वीडियोस आ जाए, ताकि आप इस चैनल से जितना ज़्यादा एंटरटेनमेंट ले सके लें। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं, आपके साथ कोई अगर अनहोनी हुई है या कोई ऐसा एक्टिविटी पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है जो आपके साथ या आपके दोस्त के साथ या किसी नोन के साथ हुआ है, तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।